hip-hop music was once a small scene of street rappers and a handful of hardcore followers. The new wave of artists are hitting the music scene tonight. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हमारी जो कार है स्कॉर्पियो, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, क्या उससे फ़र्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। तो फिर वो जो प्रॉब्लम है वो मेरे भाई समझाएंगे आपको कि वो क्या प्रॉब्लम है और क्या हो रहा है और उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो सब थोड़ा सा समझाएंगे। ये मेरे भाई है। तो भाई जो गाड़ी है वो जब स्टार्ट करते हैं तो जो पावर जो होती है वो थोड़ी ले नहीं पाती है और पावर जो है वो डिले होता है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है जब पावर डिले होता है। तो आरपीएम जो है वो धीरे धीरे से पावर आती है, उसमें दिखाते हैं आपको कैसे होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कार चालू नहीं की है, अब हम चालू करके दिखाएंगे। और तो आप देखिए कैसे पावर ड्रॉप होती है, लैग करती है पावर। तो देखिए यहाँ पर आधे आरपीएम पर स्टार्ट हुई थी और अब एक आरपीएम के आसपास है, थोड़ा नीचे है, तो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो पावर थोड़ा सा डिले होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर थोड़ा सा डिले होता है जब आप एक्सेलरेट करते हैं, तो तुरंत पिकअप नहीं ले पाती है और थोड़ी देर बाद पिकअप आती है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है तो वो मेरे भाई समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर मेरे भाई समझाएंगे आपको कि कौन सी प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। तो भैया समझाइए क्या कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है ये लैग होने की, पावर लैग होने की क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहले तो जो एयर फिल्टर में जो एयर मास सेंसर आता है, हाँ, अगर उसकी कंडीशन वीक होगी या उसमें कचरा बचरा जमा हो गया होगा फिर तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरा क्रैंक सेंसर जो आता है, जो गियर बॉक्स में लगाया होता है, लेकिन वो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्शन में होता है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और उसका पॉइंट जो आता है, मैग्नेट जैसा कोई इतना सा पॉइंट आता है, वो घिस चुका होता है या उसके ऊपर मिट्टी एम्बरी वो सब कुछ चढ़ गया होता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और काफ़ी टाइम बाद हम उसको चेक करते हैं, तो क्योंकि एक दो तीन साल हो जाता है तो फिर थोड़ा मिट्टी या फिर ऐसा सब कुछ। और उसके नज़दीक ही क्लच प्लेट आती है, तो वहाँ का क्लच का जो भी कोई मलबा होगा वो सिर्फ वहाँ पे उसके पॉइंट के ऊपर जमा हो जाता है, क्योंकि वो मैग्नेट जैसा काम करने लगता है थोड़े देर में। इसलिए जब भी मेटल की कोई भी चीज हो वो उसके ऊपर चिपक सकती है। इसलिए वो थोड़ा एक्सेलरेशन थोड़े देर बाद पकड़ेगी। जो देखेंगे नया खराब हो गया होगा तो नया डालेंगे, और साफ करने से हो जाएगा तो नया डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है क्रैंक सेंसर क्या है वो आपको दिखाते हैं और कैसे वर्क करता है और कहां पर लगा हुआ होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो सेंसर होता है वो नीचे आता है, क्रैंक सेंसर जो आपको यहां पर मेरा भाई वर्क कर रहा है और वो आपको दिखाएगा। पाछल ना चालू कैमरा या मुँह ही ऊंधो थी गये, બસ હા બસ જે સાઈડ હેન્ડલ છે ત્યાંથી ઉતેરી ત્યાંથી બોલી લેજે કે આ છે ને આ નથી। એ ક્રેન્ક સેન્સર હોતા હે યે યહાં એલંકી બોલ લગા હોતા હે યા ફિર 10 નંબર કા બોલ લગા હોતા હે, યે ગિયર બોક્સ મે લગા હોતા હે, યે દેખ રહે હે આપ પીછે, યે ગિયર બોક્સ મે લગા હોતા હે।
और ये आपका इंजन होता है, जो ये ऑयल चैम्बर दिख रहा है आपको, ये इस दोनों के बीच में जहाँ फ्लाईव्हील चलता है, यहाँ पे फ्लाईव्हील चलता है यहाँ अंदर, मैं आपको फोकस करके दिखाऊंगा अगर होगा तो, दिखेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर फ्लाईव्हील चलता है, यहाँ पे उसका ये सेंसर होता है, वो फ्लाईव्हील पे लगे हुए सेंसर के साथ सेंस करता है कि वो कब इंजेक्टर को और ईसीयू को संदेशा भेजे, यहाँ से वो ऑपरेट करता है। जब ये सेंसर की पिन ढीली हो गई होगी तब अभी आपकी स्कॉर्पियो स्टार्ट नहीं होगी, ये आप खास करके ध्यान रख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा ऑयल के साथ, कभी कभी कार में और नीचे से ऑयल, ऊपर से या नीचे से कहाँ से भी ऑयल इस सेंसर पर लग जाता है, जिससे ये सेंट्रल में जो दिख रहा है वो पूरा ब्लैक हो गया है, या इससे इसके ऊपर कचरा जम गया है, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी पिकअप लेट ले रहा है, और कभी कभी तो पिकअप ले ही नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है जब आपके सेंसर के ऊपर डस्ट लग जाती है, और ये यहाँ लगा होता है, ये इसके अंदर फ्लाईव्हील आप देख सकते होंगे, यहाँ पे फ्लाईव्हील होता है, उसके सामने ये सेंसर लगा होता है। अगर ये सेंसर इस तरह से जम गया है तो इसको साफ कर ले, और ख़राब नहीं हुआ होता तो इसको, ख़राब नहीं हुआ इसलिए इसको साफ़ कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं है। ये इसकी कंडीशन तो अच्छी है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये उठा हुआ दिखेगा सेंट्रल के भाग में, अगर जो वहाँ उठा हुआ नहीं होगा, वो घिस चुका होगा, तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये उठा हुआ है और अच्छा है, तो इसलिए ये काम करेगा। इसको साफ़ करके फिर से लगा के देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आप हम आपको दिखाते हैं, हमने जो क्रैंक सेंसर है वो क्लीन तो कर दिया है, तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है, तो वही चालू करके देखते हैं। चालू कीजिए, तो यहाँ पर जो आरपीएम का जो ये एक आरपीएम तक ये आ गया है, थोड़ा सा नीचे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेट करने पर ये 50-60% वर्क करता है। ड्राइव कीजिए आप यहाँ, तो यहाँ पर 50-60% ये वर्क करने लग गया है, जब ये यहाँ पर एक्सेलरेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी रेव हो रही है, यानी कि ये 50-60% वर्क करने लग गया है। पहले तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा था, पहले एक्सेलरेट कर देते थे, फिर थोड़ी देर बाद जाके ये पूरा गाड़ी जो है वो तब जाके एक्सेलरेट होती थी, तो अब यहाँ पर थोड़ा वर्क करने लगी है, तो क्लीन करने के बाद इतना फ़र्क पड़ता है। तो आप भी अपनी कार पर ये अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्लीन कर सकते हैं, और क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी हम नई नई वीडियो लाते रहते हैं, तो कार हो या फिर बाइक हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।